आप सबसे गुजारिश अर्ज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते, आपके बच्चों का सदका, आपका, आपके रसूल का सदका, जो भी आपको चीज दर्ज करती है, खुदा के वास्ते एक वीडियो बनाएं और इसने फेसबुक पे लगा दें कि ये आपका आइडिया है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका चैलेंज है, ये आपका मसला है, ये आपका आइडिया, जो आपके दिमाग के अंदर यहाँ रखा हुआ है उसको आप प्लीज रिकॉर्ड करके लगा दें। आपका भी फायदा होगा, आपके दुनिया का भी फायदा होगा, आपके दीन का भी फायदा होगा। आप करके देख लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और रेहान अल्लाह वाला कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं। अरुण एजाज साहब, फलाना साहब, ढिमकाना साहब, आपके पास जो आइडियाज हैं वहाँ लगाएं, हमको टैग कर दें, हम अपना टाइम दे रहे हैं आपको सुनने के लिए। हम आप ये नहीं लेकिन इनबॉक्स करेंगे, हेलो कैसे हैं आप, में सब ठीक चल रहा है, उसके बाद आप अर्ज करेंगे। अरे यार आधा मिनट की वीडियो लगाओ, किसी के पास टाइम नहीं है आपकी कहानी सुनने का, आप वीडियो बनाएं और लगा दें, हम सुन लेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो शेयर कर देंगे, 7 लाख लोग और सुन लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वहां से हेल्प मिल जाएगी। या तो आप शर्म कर लें या पाकिस्तान को तरक्की दिला दें, ये आपकी चॉइस है। थोड़ा सा बेशरम बने, थोड़ा सा हाथ में कचरा उठाएं अपने घर के सामने वाला और साफ करा लें। यार इस मुल्क को ऐसी ठीक करना है, कोई नवाज शरीफ आपके घर पे आके ठीक करेगा? आप अगर अपने घर का कचरा खुद नहीं साफ कर सकते तो किसी नवाज शरीफ को क्यों बुरा भला कहते हैं, किसी को क्यों बुरा भला कहते हैं? कसूर आपका है, नवाज शरीफ का नहीं है कि आप अपने कचरे को खुद उठाने को तैयार नहीं है। अपने हिस्से का काम करें जो कर सकते हैं और किसी को बुरा ना कहें। वो अपने हिस्से का काम कर रहा है, आपको तकलीफ है, आप MNA का इलेक्शन लड़ लें, आप तैयारी करना शुरू करें ना, अगले एक साल तक इलेक्शन होने वाला है, हर रोज फेसबुक पे आ जाएं आधा घंटा के लिए लाइव, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं और मैं इस इलेक्शन में ये काम करूंगा, बताएं रोज आधा घंटा रोज आ जाए। किसने रोका है? कोई खर्चा आ जाएगा, कोई बिजली वाले बिल भेज देंगे, बिजली नहीं आती तो मोबाइल का बिल, तो मोबाइल से तो वीडियो बना सकते हैं। क्या बहाना है कि आप अच्छे इंसान अगर आप हैं तो आप क्यों नहीं इस मुल्क की खिदमत करने के लिए सामने आते? और अगर खिदमत नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते दूसरों को गाली देना तो बंद कर दें, और खुद ख़राब है तो दूसरे को ख़राब होना भी कहना छोड़ दें, और खुद अच्छे हो जाएंगे। जब ऐसा कोई इंसान हो जिसके अंदर कोई चीज में कोई खराबी ना की हो तो उसको चाहिए कि हाँ दूसरों को खराब। जब आप ऐसे हैं ही नहीं कि आपको कोई बुरा ना कह सके तो दूसरे को क्या आपको हक पहुंचता है बुरा कहने? कोई जरूरत नहीं किसी को बुरा कहने की। इलेक्शन आ रहे हैं, तैयारी करें MPA की, MNA की, कोई पैसे नहीं लगते। हार जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाएंगे, थर्ड पे तो आएंगे, फोर्थ पे तो आएंगे, कई तो खड़े होंगे। रोजाना आए, आधा घंटे की रोज वीडियो बनाएं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, जिस तरह मैं और रिजवान अभी बैठे हुए बातें कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, 32 लोगों का अगर आपने जलसा किया ना मेरे भाई, तो 32 लोगों को खिलाना भी खिलाना पड़ेगा, चाय भी पिलानी पड़ेगी, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं आ रहा, मुफ्त का जलसा हो रहा है, और बातें जो है हम शेयर कर रहे हैं, आपसे हम सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीखते चले जा रहे हैं, तो इसी तरह से एक एक करके चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा तो ये ख्याल है, नहीं तो चैनल चेंज कर लें, बहुत सारे लोग बैठे हैं गपर सपर करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।